नमस्कार, लाइव 24 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मयूर शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। गोरखपुर से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर एक व्यक्ति का शव मिला है रेलवे लाइन पर और अभी तक उस शख्स की शिनाख्त नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दे दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने अभी तक आत्महत्या की आशंका जताई है, लेकिन पुलिस का यह कहना है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी, उसके बाद ही सच सामने निकल कर आएगा। गोरखपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पीपीगंज रेलवे लाइन पर एक युवक का शव मिला है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना जीआरपी को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया, लेकिन अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव जुड़ गए। अनुराग, क्या है पूरा मामला, जरा विस्तार से बताइएगा। अनुराग, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें गोरखपुर से बड़ी खबर, जहां पर पीपीगंज रेलवे लाइन पर एक युवक का शव मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने रेलवे पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है और हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। और अभी पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच की जाएगी और फिर पता लगाया जाएगा कि आखिर सच्चाई क्या थी। यूपी के गोरखपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीपीगंज रेलवे लाइन पर युवक का शव मिला और पुलिस ने शव को लेकर कब्जे में अब जांच शुरू कर दी है। अनुराग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अनुराग, क्या है पूरा मामला, जरा विस्तार से बताइएगा। अभी जी अभी 5 बजे करीब यहां पर लोग, स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि एक शव मिला है जिसने जिसका पैर कटा हुआ है। अभी यहाँ पर पुलिस पहुंच चुकी है और लगभग आधा दर्जन की संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है, रेलवे पुलिस पहुंच चुकी है। शव की शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है और मौके से लगभग 10-12 की संख्या में इंजेक्शन मिले हैं जो नशा करते, जिससे नशा हो सकता है। डायनापार्ट किस्म के 3 इंजेक्शन मिले हैं और जो भारी संख्या में, और लगता है कि उसे इंजेक्ट किया गया है। जी, तो उम्र, शख्स की उम्र कितनी बताई जा रही है, लगभग कितनी उम्र होगी इसकी? उम्र उसकी लगभग 35 से ऊपर बताई जा रही है और जो उसकी शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है। लोकल स्थानीय लोगों ने उसको पहचान नहीं सके हैं, क्योंकि वो बता रहे हैं कि वो यहाँ का नहीं है और किसी ने उसे यहाँ पर रेलवे लाइन की तरफ नहीं देखा था। जी चलिए अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, विस्तार से हमें बताने के लिए। तो पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है, हालांकि शिनाख्त नहीं हो पाई है, पता नहीं लग पाया कि ये मृतक कौन था।